वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल के जो एग्जाम चले हुए हैं 31, 1 और 2 का, इसमें साथियों प्रत्येक शिफ्ट में आपको 4 पेपर दिए जा रहे हैं। इसका मतलब टोटल आपकी 6 शिफ्ट में 24 सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों 24 सेट के हम यहाँ पे आपको आंसर की करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका सेट है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये पेपर रहेगा 1/11/2021 का साथियों, मॉर्निंग शिफ्ट का तीसरा पेपर। ठीक है, इससे पहले के पेपर की आंसर की हम डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे केवल हम आंसर की आपको कराएंगे बिल्कुल फास्ट तरीके से। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने, इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक नंबर का साथियों ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद प्यारे साथियों सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन ए। इसके बाद साथियों तीन नंबर का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन ए। इसके बाद चार नंबर का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चार नंबर का ए। इसके बाद साथियों पांच नंबर का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पांच नंबर का डी। इसके बाद छह नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिक्स नंबर का ऑप्शन बी। इसके बाद सात नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेवन का सी। इसके बाद साथियों आठ नंबर का जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे साथियों नौ नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाइन का सी। इसके बाद 10 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 10 का बी। इसके बाद 11 का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 12 का साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 12 का सी। इसके बाद साथियों 14 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 14 का ए। इसके बाद 15 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 15 सी। इसके बाद 16 नंबर का ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 16 का ए। इसके बाद साथियों 17 नंबर का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद 18 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 18 बी। इसके बाद 19 का साथियों ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 19 ए। इसके बाद साथियों 20 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 20 का ए। इसके बाद 21 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 21 डी। इसके बाद साथियों 22 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 22 सी। इसके बाद 23 का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 24 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 24 का डी। इसके बाद 25 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 25 डी। इसके बाद साथियों 26 नंबर का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों 29 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 29 सी। इसके बाद साथियों 30 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 30 का ए। इसके बाद साथियों 31 का यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 31 सी। इसके बाद 32 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 32 सी। इसके बाद साथियों 33 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 33 डी। इसके बाद 34 का यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 34 बी। इसके बाद 35 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 35 बी। इसके बाद साथियों 36 का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 37 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 37 डी। इसके बाद 38 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 38 डी। इसके बाद साथियों 39 नंबर का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 40 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 40 का बी। इसके बाद 42 का साथियों ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 42 का डी। इसके बाद 43 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 43 डी। इसके बाद 44 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 44 ए। इसके बाद 46 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 46 डी। इसके बाद 47 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, 47 डी। इसके बाद 48 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 48 ए। इसके बाद 49 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 49 बी। इसके बाद 50 का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 51 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 51 डी। इसके बाद 52 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 52 डी। इसके बाद 53 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 53 बी। इसके बाद 54 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 54 ए। इसके बाद 55 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 55 सी। इसके बाद 56 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 56 बी। इसके बाद 57 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 57 डी। इसके बाद 58 का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता
बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 59 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, 59B। इसके बाद 60 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 60B। इसके बाद 62 का यहाँ पे ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 62A। इसके बाद 65 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 65C। इसके बाद 66 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 66C, ठीक है। इसके बाद 67 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 67B। इसके बाद 68 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 68D। इसके बाद 69 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 69A। इसके बाद 70 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 70C। इसके बाद 71 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 71 नंबर C। इसके बाद 72 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 72C। इसके बाद 73 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 73A। इसके बाद साथियों 74 का जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 75 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 75B। इसके बाद 76 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 76C। इसके बाद 77 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 77B। इसके बाद 78 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 78D। इसके बाद 79 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 79D। इसके बाद 80 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 80D। इसके बाद 81 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 81C। इसके बाद 82 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 82B। इसके बाद 83 का जो राइट आंसर है साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 84 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 84C। इसके बाद 85 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 85B। इसके बाद 86 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 86B। इसके बाद 87 का यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 87B। इसके बाद 88 का ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 88C। इसके बाद 89 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 89B। इसके बाद 90 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 90D। इसके बाद 92 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद 94 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 94D। इसके बाद 96 का ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 96B। इसके बाद 97 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 97A। इसके बाद 98 का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 98D। इसके बाद 99 का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 99A। इसके बाद लास्ट प्रश्न आपका 100, इसका ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, 100B। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका ये तीसरा पेपर रहेगा 1 नवंबर का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।